आएगा, अपना टाइम आएगा, दैट्स ऑल। सचिन भाई नाइस टू मीट यू भाई। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल और आदाब आप सभी को। मैं हूं आपका दोस्त सचिन भाटी और ये वाला ब्लॉग जो मैं लेके आ रहा हूं ये बहुत बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी हम जा रहे हैं गुड़गांव अमित भाई से मिलने, जो कि कल ही मुंबई से आए हैं, और बिग बर्ड पाजी से मिलने जो कैनेडा से आए हैं। सो अभी हमारा जो गुड़गांव का सफ़र है वो है 1 घंटे 24 मिनट का, यहाँ पे गूगल मैप जो हमें दिखा रहा है। सो तब तक 1 घंटे 24 मिनट तक हम गाने सुनेंगे बिग बर्ड पाजी के, जिन गानों में उन्होंने म्यूजिक दिया है वो गाने सुनेंगे और आराम से कट जाएगा सफर, बिकॉज उनके म्यूजिक आए हाय हाय हाय, अमेजिंग म्यूजिक। बिग बट बाजी बिग फैन, आ रहे हैं आपसे मिलने, बस थोड़ा और वेट करना पड़ेगा हमें। आंखों से भी फ्लाइंग किस दे रहे हो। सो अभी हम धीरज भाई के घर पे और हम जा रहे हैं इक्का भाई से मिलने। मैं धीरज भाई, अमित भाई, अविनाश भाई और बिग बर्ड पाजी, हम जा रहे हैं इक्का पाजी के पास उनके होटल में। सो लेट्स सी कैसी मीटिंग होती है, वहीं पे चल के मिलता हूँ आपसे। सो फाइनली हम पहुँच गए हैं यहाँ पे। आपको वीडियो बनाते हैं ये देख लीजिए आप, जो ये हमारे भाई सचिन भाई, सचिन भाई थोड़ा फोकस, थोड़ा फोकस, खुद ही बदल गया। नमस्ते, देख रहे हो आप, ये बना रहे हैं सबकी वीडियो, इनकी वीडियो हमने बना ली और ये सॉरी फॉर द फोकस, ऑटो फोकस मेरा समझ नहीं है। अब इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर का बना सर का मैं आप से। हां जी, बिग बर्ड भाई दे सामने सामने गा रहे हैं, नर्वस हो गए। नहीं नहीं, हो देखी कुड़ी चन तो सोहनी, नखरा सी जट्टी दा, हो चौवन सी सिखर दुपहरा, दारू दी मट्टी दा, हो भर के पग पहन पिपर चो हाका पई मार दी, हो किते विच डिग पई चांजर अलड़ मुटियार दी, हो किते विच डिग पई चांजर अलड़ मुटियार दी, हो किते विच डिग पई चांजर। Amazing, amazing, superb. क्या कहने लड़के। चले पाजी फिर। सो रात के बज गए 12:30 और गुड़गांव में इस टाइम हमें कोई अच्छी जगह नहीं मिली थी खाना खाने के लिए, मतलब सारे अच्छे रेस्टोरेंट क्लोज हो गए थे। सो हम आए हैं रोजेट हाउस और यहाँ पे हम थोड़ा कुछ खाना खाएंगे। वैसे बहुत थक भी चुका हूँ और ये बहुत अच्छी जगह लग रही है मुझे रेस्ट करने के लिए, बट क्या करें, रेस्ट तो ही नहीं था हमारी लाइफ में, काम काम, वर्क वर्क वर्क, दैट्स ऑल। अब यहाँ पे इक्का पाजी, बिग बर्ड पाजी, अमित भाई सब आने वाले हैं और हम यहाँ पे डिनर करेंगे। सो लेट्स सी कुछ अच्छा खाना मिल जाए हमें यहाँ पे, और डेफिनेटली मिल जाएगा क्योंकि बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। सिर्फ धीरज भाई हैं अभी यहाँ पे और बाकी के लोग आ रहे हैं, क्या वेट कर रहे हो भाई? भूख लग रही है, जल्दी खाना मंगा लो यार, सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। बिग बर्ड पाजी से यार डिनर के लिए कितनी भूख लग रही है पाजी? If you're tired, you can sit here. Come on, have a seat. Can I go to sleep here? Yeah, you can sleep here. So, Paji, कैसा लग रहा है 11 साल बाद दिल्ली आके, इंडिया आके? Amazing, bro. Very different. Very, very different. Like the people are great. Like a lot of advancements. You know what I mean? Like. बस थोड़ा tired हो गया. I'm just tired, but like. I don't even feel like I'm in India. It feels like I'm back home. Like Canada. Yeah. यहाँ पर तो इतनी सर्दी भी है कनाडा के जैसे हैं।
No, no, not that cold. Oda can't have, but not minus 60 or, you know. जहाँ पे पाजी रहते हैं वहाँ पे इस टाइम जो टेम्परेचर है माइनस 60 डिग्री है. पहली बार ही हुआ. पहली बार ही हुआ है, मतलब रिकॉर्ड है वहाँ पे. पर माइनस 30, माइनस 25 तक होता है. चलो बढ़िया पाजी, थोड़ा खाना खाओ उसके बाद आराम से चिल करके सोएंगे. ठीक है भैया, ठीक है. ऑल राइट. सो ये तोहफा दिया है अमित भाई ने. थैंक यू ब्रदर. अमित भाई ने बिग बर्ड पाजी को ये बीबी बिग बर्ड ब्राउन बॉयज बिग बर्ड एवरीथिंग दैट्स इट बिग बॉस बनाना भाई. हाय ब्रदर, ऑल गुड ब्रदर. कैसी लगी भाई दिल्ली की रसमलाई? मस्त. एक नंबर. सो हमने डिनर तो कर लिया है अभी, और अभी जो है वो फोटो शूट चल रहा है अमित भाई का, बिग बर्ड पाजी का, डिवाइन सर का और इक्का पाजी का. सो पाजी कैसा रहा गुड़गांव में आपका आना? बहुत सही. बस ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा था. ट्रैफिक तो ठीक था, लेकिन आते रहेंगे दिल्ली. अभी जल्दी आने वाला, दो दिन के बाद. दो दिन के बाद फिर से? फिर से. ऑल राइट. वैसे भाई आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा. थैंक यू. और एक बार बस ये बोल दीजिएगा, अपना टाइम आएगा. अपना टाइम आएगा, दैट्स ऑल. टाइम आएगा, गली आ चुका है. गली गैंग दिखा दो भाजी. गली गैंग. पाजी इन द हाउस. तो भाई आपका जो वो सिंगल आ रहा है वो कब ड्रॉप हो रहा है मार्केट में? मेरे ख्याल से फैब में हम कर रहे हैं, अगले ही महीने आ रहा है वो. और जैसे आप प्यार देते हैं वैसे इस गाने को भी प्यार दीजिएगा. और हम अपने घर जा रहे हैं सोने. चले भाजी चले. बाय सर. थैंक यू. गुड बाय. बाय. हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन. अभी हो रहे हैं दोपहर के एक, और दोपहर के एक बजे हम सो सो के उठ रहे हैं देख लो. और वैसे भी हमने बहुत काम किया. एक्चुअली हम रात को गए थे हम एयरपोर्ट जहाँ पे बिग बर्ड पाजी का लगेज मिस हो गया है. सो हम उस लगेज को लेने गए थे जो कि अभी तक हमें नहीं मिला है, लेकिन उनकी कॉल आ गई है कि आपके पास 5 से 10 मिनट में आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा. तो हम लगेज का वेट कर रहे हैं, लगेज मिल जाएगा. और अभी हम जाएंगे पंजाब मानसा जहाँ पर हम मिलेंगे. क्यों बताऊँ, ब्लॉग देखते रहिए, सरप्राइज आपके लिए. और कल के बारे में बता दूँ, डिनर के बारे में, जो कल का डिनर था इट वाज लाइक अमेजिंग. एक ही टेबल पे डिवाइन भाई, इक्का पाजी, अमित भाई, बिग बर्ड पाजी सभी थे. और इतनी पॉजिटिव एनर्जी थी वहाँ पे. बेस्ट डिनर आई एवर हैड. मैंने अपनी लाइफ का बेस्ट डिनर था वो मेरा. सो डिवाइन पाजी से मिले, उन्होंने अपनी गली बॉय गली गैंग और आने वाले सॉन्ग्स के बारे में बात करी. बिग बर्ड पाजी के इतने अच्छे अच्छे सिंगल सॉन्ग आने वाले हैं जो मार्केट में तबाही मचा देंगे. हम इतने लकी हैं कि जो सॉन्ग्स आने वाले हैं मार्केट में वो हम पहले ही सुन लेते हैं. और इक्का पाजी तो हमेशा फुल ऑफ एनर्जी. उनका जो एनर्जी लेवल है ना, मैच ही नहीं कर सकता कोई. या तो रामदेव बाबा मैच कर सकते हैं, रणवीर सिंह मैच कर सकते हैं, अदरवाइज कोई, आई डोंट थिंक कोई मैच कर सकता है उनका एनर्जी लेवल. और अमित भाई भी थे वहाँ पर. सो इट वॉज लाइक मज़ा ही आ गया पूरे डिनर में. हमने इतना अच्छा डिनर, आई मीन इसके बाद मेरे को 3-4 दिन तक खाना नहीं मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इतने अच्छे डिनर के बाद. सो देखते रहिए इस ब्लॉग को. ये ब्लॉग ऑलरेडी बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है और आगे भी बहुत 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 ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है. स्टे ट्यून्ड. सो अब हम जा रहे हैं पंजाब. सो अभी हमें रास्ते में करनाल बाईपास पे, और मेरे साथ हैं विकास भाई यहाँ पे, और हम जा रहे हैं मानसा जैसा कि मैंने आपको बताया था.
बियर्ड को चले थे गुड़गांव से 2:30 बजे और अब हो चुके हैं 7:30। 5 घंटे से चले ही जा रहे हैं, हॉल्ट ले लेके चले ही जा रहे हैं बस। और भाई कितना टाइम और लगेगा अभी पहुंचने में? भाई कम से कम 40 से 45 मिनट और लगेंगे और भूख इतनी ज़्यादा लग रही है बस क्या बताएं। लेकिन खाने का ला के दे दो बस, और खाना खिला दे बस। लेकिन खाने का इंतजाम ऑलरेडी हो चुका है। हाँ भाई ने कहा था 40-45 मिनट में पहुँचेंगे और 2 घंटे से चल रहे हैं हम तब से। वहाँ पे 40-45 मिनट गया था, 2 घंटे से ऑलरेडी चल रहे हैं, अब कह रहे हैं 1 घंटा और लगेगा। ट्रैफिक था ना, ट्रैफिक तो कहीं नहीं था भाई, हाईवे था, झूठ बोल रहे मेरी ऑडियंस है। सो फाइनली हम पहुँचने वाले हैं, बस 2 मिनट दूर हैं। सो फाइनली हम पहुँच गए हैं 3 घंटे की मशक्कत के बाद। क्या इंतज़ाम है पहले से ही, सिद्धू पाजी यहाँ पे है। मॉर्निंग एवरीवन, अभी हमें पंजाब में गांव मूसा और सिद्धू मूसे वाले भाई के पास हैं हम। अभी हम जा रहे हैं खेतों में थोड़ी गेड़ी वेड़ी मारने। ਅਹੀਂ ਲੰਘ ਚੱਲਦੇ ਚਲੋ पाजी की रेंज रोवर भी यहीं खड़ी हुई है, वाइट रेंज रोवर। एक ब्लैक भी इनके पास, एक वाइट भी है, सो दिस वन इज वाइट है। सो बाय बाय बोल देते हैं सिद्धू भाई के घर को। सिद्धू भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा, रात को यहाँ पे खाना खाया, सुबह ब्रेकफास्ट, फिर खेत पे भी गए, भाई के मोटर पे गए, फिर बहुत इंजॉय करा। मतलब सिद्धू भाई एक अलग ही पर्सनैलिटी है, एक फन लविंग गाय। सो ये घर है उनका यहाँ पे पीछे, और यहाँ पे भीड़ लगी हुई है सिद्धू भाई के फैंस की बात पूरी, इसलिए सिद्धू भाई अंदर चले जा चुके हैं हमसे बाय बाय बोल के। सो नाउ वी आर लीविंग टू गुड़गांव। गुड़गांव जा रहे हैं हम, 3-4 घंटे लगेंगे पहुँचने में। सो मिलते हैं गुड़गांव जाके। और यार ये रोड रेज नहीं होनी चाहिए कभी भी, ये थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों पे जो ये लोग लड़ते हैं, दिस इज़ रियली रॉन्ग। सड़क पे अगर हम चलेंगे तो ऑब्वियसली थोड़ी बहुत गाड़ी तो टच होगी, क्यों भाई? बिल्कुल। सो बहुत अच्छा लगेगा सबसे मिलके, गांव घूम के, डिनर करके, ब्रेकफास्ट करके, सिद्धू पाजी से मिलके। और जो सबसे अच्छी चीज़ मेरे साथ हुई है, मेरे लिए हुई है, वो है ये कैब गिफ्ट की है बिग बर्ड पाजी ने मेरे को, ब्राउन बॉयज़ की कैब, विच इज़ लुकिंग क्वाइट गुड ऑन मी। सो अच्छी लग रही है मेरे ऊपर, सो ये मैं रखूँगा संभाल के, क्योंकि बहुत ही प्यारा गिफ्ट है, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उन्होंने दिया है। तो गुड़गांव जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे हम, फिर उसके बाद निकलूंगा मैं गाजियाबाद, भाई निकलेंगे अपने घर। सो यही है सफर, भाई निकलेंगे अपने घर, यही है सफर। देखो डिवाइन भाई का कितना असर हो रहा है मेरे पे, इक्का भाई का कितना असर हो रहा है, रैप कर रहा हूँ मैं, कम ऑन। सो अभी गुड़गांव पहुंचे हैं धीरज भाई के घर पे, अब थोड़ा रेस्ट करेंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ से निकलेंगे गाजियाबाद के लिए। और पाब्लो देखो सीधे हमें बेडरूम के लिए हमें रास्ता दिखा रहा है। और अब फाइनली इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर कर दें।
और हाँ ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आते रहेंगे इस चैनल पे, सो प्यार बनाए रखें, अपना ख्याल भी रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।